क्या सो गए? क्या हुआ? अफीम तो नहीं खाने लगे? हाथ में अखबार, आंखें बंद, तो ये मामला क्या है? चलो भागो यहां से बेवकूफ आदमी। वो अफीम खाने लगे हैं आपके वाले साहब। कैसे मालूम? सो रहे थे, हमने जाकर भगाया तो उन्होंने हमें डांट कर जगा दिया। भगाया उन्होंने होगा, जगाया तुमने होगा, उल्टी बात कह रहे हो। चलो हमने उल्टी कही, तुमने सीधी कर दी। बात बता दी हमने कि अगर न छुड़ाई गई ये आदत तो एक खर्चा और बड़ा। अरे जरा सी झपकी ले ली होगी, इसमें इस कदर ताज्जुब की क्या बात है? जाओ अपना काम करो, यहाँ कैसे आ गए? जहाँ से देखे भगाया जा रहा है ना। अफीम की कोई डिबिया तो नहीं देखी है, दौलत रखी हुई? कुछ पागल तो नहीं हो गया है? अरे कैसी अफीम? हमें तो आज पता चला कि अफीम भी खाते हैं। कौन? सो रहे थे अपने कमरे में बैठे हुए, अखबार हाथ में था। दूल्हा भाई को कह रहा है अपने? और किसके हाथ में अखबार होता है? हाँ, ये भी मशहूर कर दे दुनिया जमाने में कि अफीम खाते हैं, ताकि मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। चल दूर हो यहाँ से। जरा गोश्त का नमक चखो अंजुम। हथेली पर रखकर सुरप सुरप नहीं करेंगे, नमक चखाना है तो पूरी गोटी दे। तुम्हें कोई खाता हुआ देखे तो मुसीबत मेरी आ जाए कि पकती हांडी से गोश्त निकाल कर देती हूँ। यूं ही क्या कम बदनाम हूँ तुम्हारी मोहब्बत में? बोटी देना तो दे, बेकार की बातें करने ना बैठ जाया कर। गोश्त गलने तो दो या कच्चा खाओगे? अरे छोड़, हमें खाना ही नहीं है, ना कच्चा ना पक्का। मेरा बस चले तो मैं पूरी पतीली खिला दूं तुम्हें, मगर मेरे अख्तियार में क्या है? लगी उल्टी सीधी बातें करने? बेगम साहब तो चलती बनी ठेंगा दिखाकर, सिवाय मेरे और तुम्हें पूछता ही कौन है घर भर में? ना कुछ खिलाया ना पिलाया, बातें उड़ाए देवर रही दुनिया भर की। फिर सो गए? क्या हुआ? कितनी खा गए आज आप, पहले ये बताएं। क्या अफीम और क्या? लहल मिला हुआ, नाम सुना है इस शे का, देखने का अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। बताएं कौन कौन खाता था खानदान में? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन खाता था कौन नहीं। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सफदर की शादी सर पर आ गई है, तो अब ये सोच रहा हूँ कि है ना, देखा काम आखिर इकराम की बीवी आई तो मैंने कहा जरा चलकर खुद ही कह दो अपने भाई साहब से। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं भाई साहब। अरे हूँ हाँ कुछ तो कहिए अपनी जबान से। पीनक में पड़े हैं तो हूँ हाँ क्या करें, रोज से कुछ ज्यादा ही खा गए ऐसा मालूम होता है। बदतमीज नालायक बेहुदा कहता। आपसे पहले मैं डांट चुकी हूँ, मगर इस बदअकल की समझ में जब कोई बात आए तब ना। मुझे भी बताने आए थे मगर मैंने कोई दिलचस्पी ही नहीं ली। ओहो, जरा सा आंखें बंद करना मुसीबत हो गया मेरे लिए। खानदान के अफीम चूंकि फहरिस्त बनाकर बैठ गए मेरे सामने। हुई अरे खानदान में किसने खाई अफीम? जब कोई बताने दे तब ना, जिस जिसके पास डिबिया निकली उसका नाम सुन लीजिए। आज का दिन भागते ही गुजर गया है, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, इस कमरे से। ये नमक चखा रही है हांडी का, ये चलते हैं किसी और तरफ। सलाम अंजुम मियां। तू कहां से टॉक पड़ी सुबह सुबह? अपने मैं क्या आई हूँ। लो चखो जल्दी से, रुक जा मुँह के अंदर बोटी, किसी ने देख लिया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। कहो तो दो चार दिन रहूँ, कहो तो लौट जाऊँ अपने ससुराल। शागिर्द नहीं आया हमारा? खाली मुझे बुलाया था बेगम साहब ने, मैं आ गई। नमक कैसा है? अरे एक बोटी में थोड़ी पता चलता है नमक मिर्च का, एक और डाल मुँह के अंदर। मैं जरा हुआ हूँ बेगम साहब के पास। अरे कनीजिया आ गई। हाँ मैंने कहा था भैया की शादी में कुछ दिन पहले से आकर कामकाज में हाथ बटा, आज से मेहमान आना शुरू हो गए माशाल्लाह। तस्लीम आपने तो कहा था कि खूब ओढ़े पहने हैं, मैं तो सादे कपड़ों में देख रही हूँ। हैं? अरे क्या हुआ तेरा गहना जेवर, उस दिन तो सर से पांव तक लदी हुई थी। सारा बोझ उतार कर फेंक दिया अपने ऊपर से, बस अब भैया की शादी में पहनूंगी। नुमाइश होगी तो सभी अपने अपने नमूने सामने लाकर रख देंगे। तुम अच्छी हो? आप? फिलहाल, फिर क्या होता है ये आगे चलकर मालूम होगा। हाँ तू जरा खाने के कमरे में जाकर बैठ कनीजिया, हम कुछ जरूरी बातें करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ तो बात कहाँ से कट गई थी, किसी को कुछ याद है? तुम्ही की ख्याल कैसे हुआ कि मैं रुपया ना होने की वजह से ये देखिएगा जी। अरे वो मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई साहब रुपया ना होने की वजह से सारी सारी रात जागते हैं। आपने रात में जागने का कुछ और मतलब निकाल लिया, माहू जान ने दिन में सोने का कुछ और मतलब। हालांकि हकीकत न ये है न वो। तुम सब तकल्लुफ कर रहे हो, मेरी तो ये समझ में आया, हर वक्त का उठना बैठना, हर वक्त का साथ और तुमसे तकल्लुफ, ये खुद मेरी समझ में नहीं आया। दरअसल एक फर्ज की अदायगी है
धूमधाम करना मकसूद नहीं है। इसका मतलब है आपने मुझे गैर समझा। इस हद तक रिश्तेदार भी नहीं समझा कि सारा बोझ तुम पर डाल दें। ये धूमधाम क्या चीज होती है? तुम जाओ अपने कमरे में, अपनी शादी में सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को बोलते नहीं देखा। जा माँ, नी माँ, क्या अच्छा लगेगा जब अभी से बोले चले जा रहे हैं। जरा मामू जान को भेज दीजिए मेरे कमरे में। अंजुम। और फिर मेरी बहन बिल्किस जो है, उन्हें क्या कुछ नहीं दिया खुदा ने जब मैं सारी सारी रात जाग कर गुजारूं। हाँ, बहन का ना कोई पता ना सिरा, और भरोसा किए बैठे हैं उन पर। बहरहाल मैंने अपना एक फर्ज अदा कर दिया। शुक्रिया। बिल्किस तो मुझे याद भी नहीं थी, उनके होते हुए आपको किसी की क्या परवाह? बिल्किस लंदन में बैठी हैं, तो वो इतनी दूर से चल कर आएंगी भतीजे की शादी करने। आज नमक बहुत डाल बैठी है हांडी में, खुद बहुत खाती है तो चुटकी चुटकी डालती रहती है जब तक हांडी चढ़ी रहती है चूल्हे पर। सफदर बुला रहे हैं किसी काम से अपने कमरे में तुम्हें। बुला कोई नहीं रहा है, जो है वो भगा रहा है आज ना वाला। हाँ बोलो। बैठिए मामूजान, आप थे कहाँ इतनी देर से? तुम्हारी मानी जान के पास। वो कहाँ है? वो कहाँ नहीं है, हर जगह है हमारे नजदीक। इसमें हंसने क्या बात है? बजाय ये कहने के एक आधा शेर याद कर लीजिए, वो पढ़ा कीजिए। यहाँ मुख्ता याद नहीं होता है, तुम कह रहे हो शेर याद करें। अपने मास्टर साहब से कहिएगा कि एक शेर याद करा दे। उनका हमारा झगड़ा हो गया। कैसे? वो कहने लगे बे से बकरी। अच्छा। हमने कहा बैल, बस इसी पर झगड़ा हो गया। दिन में 10 मरतबा तख्ती धो, दवात में कपड़ा डालकर स्याही बनाओ, तो हमने सोचा बकरी के सामने बैल खड़ा करके जान छुड़ाओ अपनी। अच्छा। तो मैं तो कहकर पछताई। क्या हुआ? बिल्किस आ गई। फूफी अम्मा, शादी ब्याह वो करेंगी तुम्हारा, तो उनके होते हुए मेरी क्या जरूरत है? बगैर इतला के आदम की कमाल हो गया। अरे मामूजान, मामूजान बात तो सुनिए। ये लीजिए, वो समझे वाकई आ गई फूफी अम्मा। अरे तो जाने दो ना, मैंने कहा ही इसलिए कि भागी यहाँ से। बेवकूफ आदमी कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं। मालूम होता है किसी ने नाराज कर दिया है आपको। अब तो मुझे भी शक होता है कि वो चीज जरूर खाते हैं या पीते हैं तुम्हारे वालिद। फिर सो गए? बिल्किस का ख्वाब देख रहे हैं बैठे हुए, तो ये कैफियत जागने की तो नहीं है, माफ करना। मुमकिन है कोई ट्रिंकोलाइजर खाते हो पापा। ये क्या होता है? कॉस्मोपोलिटन शहर है, यहाँ की गहमा गहमी को आसाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इस किस्म की कोई दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है जिससे गलूदगी का गलबा रहे। फिर तो अंजुम ठीक ही कह रहे थे। अपनी जबान में तो इस गहमा गहमी में मजीद धूमधाम। शादी के दिन हम सारी दुनिया के शोरगुल को अपने घर का हंगामा समझकर खुश हो लेते हैं। रुपया खर्च करके धूमधाम करने की क्या जरूरत है? ना कहीं आई ना आवाइयों बेगा दौड़ा दिया हमें जनाब। आज आप सुबह से दौड़ धूप रहे मामू जान, तो आप कहीं जाकर इत्मीनान से बैठ जाइए ना। कहाँ जाएं? मामा आई थी अभी कफगीर लिए हुए आपको नमक चखाने। मास्टर साहब से झगड़ा हो चुका है बैल और बकरी पर, तो अब मालूम होता है इससे भी होगा। हम कह रहे हैं चटकीला है नमक, वो कह रही है ठीक है, तो फिर एक बोटी जाकर उड़ाते। आदमी मजेदार है, आप कहने को जो चीज चाहे कहें। मुझे तो इनकी बीवी की किस्मत पर रोना आता है। गलत आता है रोना, और फिर कब तक आता रहेगा, सवाल ये है। बाहर हाली तो एक जुमला मुतरजा था, मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये सादगी तुम्हारे ससुराल वालों को पसंद नहीं आएगी। वो अमली लोग हैं, आपके वालिद की तरह बैठकर ऊँगते नहीं है। क्या मतलब? शादी होगी धूमधाम से होगी, इस तरह नहीं कि जिस तरह तुम चाहते हो। आप अपने पर्स की नुमाइश ज्यादा ना करें प्लीज। बिल्किस के आने की खबर वैसे ही उड़ा दी गई। वो जरूर आएंगी। लंदन से? लंदन एक शहर का नाम है, इस दुनिया से अलग कोई मुकाम नहीं है। ये भी देखना है। वैसे ये रुपया आप कर्ज के तौर पर दे रही हैं? जिस तरह भी तुम्हारी बड़ी नाक को मंजूर हो। अच्छा जी, तो ये सारी कोशिशें हमारी नाक छोटी करने की हैं। खुलूस की इस दुनिया में कोई कीमत ही नहीं रही, तो अब जो जी चाहे कह लो। भाई तुम अपना दिल छोटा ना करो इकराम की बीवी। मैंने तुम्हारे भाई साहब को राजी कर लिया। ठीक है, इस शादी का ठेका तुम ले लो, बाद में बिल हमें दे देना। खर्च अपने हाथ से करो। हाँ। बिल देना ना देना तुम्हारी मर्जी। ऐ बिल्किस आए आएंगी नहीं। हाँ। उनकी जगह तुम समझो अपने को। मगर सफदर का ख्याल है कि बिल्किस आएंगी। ख्याल ही नहीं है बल्कि मुझे यकीन है। मुझे बहरहाल यकीन तो नहीं है, मगर शादी की इत्तला उन्हें दे दी गई है। वो यही समझ कर दी गई है कि आए आएंगी नहीं इतनी दूर से। खत जिस तरह सबको गए उन्हें भी चला गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी क्या? सफदर की शादी में ना आई तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ही कभी ये देखिएगा। आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगी। लंदन जाकर बदली हैं, वरना यहाँ जब तक रही कभी कभार खत लिख भागती थी हमें। आ गई तो मुझे खुशी होगी, ना आई तो आप कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, मैं हर तरह हाजिर हूँ। चलो
किस्सा खत्म हो गया। एक ही खत्म हुआ है, दूसरा शुरू कीजिए। वो कौन सा? वो खत्म होगा तो कोई तीसरा शुरू हो जाएगा। तुम्हारे मामू जान कुछ दिनों के लिए अपना कहीं और ठिकाना बना ले। ये शर्त किसकी है? ये तो बहुत पुरानी शर्त है बाजी। पहली दफा बातचीत इसलिए टूटी थी कि अंजुम को कोई अलग करने के लिए तैयार न था। अब कौन तैयार है अलग करने के लिए, पहले ये मालूम कर लो तुम। तो फिर दावतनामे बेकार रवाना कर दिए सब पे ही। अंजुम मौजूद हुए घर में तो दुल्हन नहीं उतरेगी। ऐ तो क्या उनके घर में कोई सुड़ी दीवाना नहीं है जो अंजुम पर सबकी उंगलियां उठ गईं? तो अब सवाल ये है कि वे जाएंगे कहां? और उनसे जाने के लिए कहेगा कौन? मैं कह दूंगी समझाकर, वो बेचारे चले जाएंगे अपने ससुराल, ये मेरा जिम्मा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ससुराल तो वो दौड़कर पहुंचेंगे। मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। बहू और अंजुम में किसी एक का इंतखाब कर लीजिए। ये मसला धूमधाम से कहीं ज्यादा अहम है। सारी धूमधाम उसी के दम की है, वो ना हुआ तो लाख शहनाइयां बजे, रहेगा सन्नाटा। तो जरा तुम जाकर ये शर्त हटवाओ लौकी वालों से। पहले माँ को भी शरीक कर रहे थे मामू के साथ, तो मैंने कहा जरा होशों की दवा करो अपने। ऐसा लड़का कौन है जो अपनी माँ को छोड़ दे? वो तो बाप को कैसे बख्श दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। माँ बाप मामू से तो वैसे ही वास्ता नहीं रहेगा शादी के बाद, मगर ये बात जबान से नहीं कही जाती। इस नए जमाने में कही जाने लगी है। अरे भाव में गया नया जमाना। शादी का अरमान तुम्ही को सबसे ज्यादा था और तुम्ही चूल्हा भाड़ झोंकने बैठ गई। हज करने चलेंगे तो इस ख्याल से कि वहीं रह जाए बस। तो अंजुम का क्या बनेगा? हाथ में बोटे का टुकड़ा लेकर नमक चखते हुए बाहर निकले तो चील झपट्टा मारकर ले गए जनाब। चील कव्वों तक ने ताक लिया है गरीब को, तो इंसानों की क्या शिकायत? अभी तक ये तय नहीं हुआ कि नमक फीका है या चटकीला। भाई तो क्या मतलब है, यानी पूरी हांडी चट कर जाओगे तब तय होगा कि नमक फीका है या तेज? अब कोई और घर ढूंढ ले हांडी चखने के लिए, यहाँ बहुत दिन रह लिया। तुम्हारी ससुराल में तो कई हांडियाँ एक साथ चूल्हे पर चढ़ती है, एक उतरी एक चढ़ी तो जितना जी चाहे नमक चखो। तो और क्या, ये जब देखिए यही धौंस दिया करती है। है धौंस नहीं दे रही हूँ, बहू का डोला उतरेगा तो तू रुखसत हो जाएगा इस घर से। कहिए तो बहू आने से पहले ही रुखसत हो जाए, ये तो उससे कहिएगा जिसका कोई ठिकाना ना हो। असल बात मैं बताता हूँ कि क्या है, तुम्हारी वजह से यह घर हामिद मियाँ के यहाँ होकर रह गया है, लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि मेरे बात कहीं ये घर सफदर मियाँ के यहाँ होकर ना रह जाए। हाँ हाँ का चक्कर अगर हमारी वजह से चल रहा है तो हम अभी 9 से 11 हुए जाए।